हदोट का इलाका तो आ गया जी, नहीं जी लैंड स्लाइडिंग एरिया फिर से अल्लाह खैर यार इंसान ने किस किस हाइट पे जाके कर लग रहा है यार, ये सारी लैंड स्लाइडिंग है और ये एरिया भी सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है। यार क्या जबरदस्त सीन है यार, यहाँ साइड पे लगा के जरा तो नजारा करते हैं जी, काफी गहराई है, काफी ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं हम। हाँ जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदोट है, हदोट का इलाका है। अच्छा ये कौन सा है, ये क्या नाम है? अलियोट, ले ये अलियोट का इलाका जी। सारी नीचे आबादी है और सामने जनाब पहाड़, और इस वक्त जनाब यहाँ पे ठीक ठाक धुंध हुई हुई है, बादल है या धुंध है जो भी है, पर आगे चलते हैं। हदोट गुजर गया है, ये कलियोट है जी। खूबसूरत इलाके हैं यार, बहुत खूबसूरत इलाके। अलियोट, कलियोट नहीं सॉरी, अलियोट नाम है जी, अलियोट का इलाका है जी। हदोट था पीछे, ये अलियोट है। पूछे दिल, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, हदोट अलियोट दोनों बड़े खूबसूरत इलाके हैं। और जितना मतलब जो रोड के साइड पे खूबसूरती है वो भी बहुत जबरदस्त है। नहीं जी ये अलीओट का इलाका है, पीछे जो आबादी थी वो हदोट की थी, वो भी अच्छा इलाका था, खुला काफी, मतलब हर तरह की शॉप्स वगैरह आपको वहाँ मिल रही, यहाँ पे मैकेनिक्स भी बैठे हैं, अगर कोई पता करे किसी को जरूरत पड़ती है तो मैकेनिक्स वगैरह हजरात भी यहाँ पे मौजूद है, और ढाबे होटल दुकानें फल फ्रूट हर चीज यहाँ से मिल जाती है।
नहीं जी, कलियोट का अलियोट, अलियोट का इलाका भी गुजर गया और आगे जो आबादी आती है मैं सोच रहा हूँ वहां पे जरा थोड़ा सा स्टॉप किया जाए, देखते हैं टाइम क्या हुआ है, फिर वहां से थोड़ा वहां पर अगर बनता होगा स्टॉप स्टॉप कर लेंगे और वहां पे कॉल भी कर लेंगे कश्मीर जिन साहब से मिलने जाके हमने जिन्होंने में मुख्तलिफ जगहों पर का विजिट करवाना है उनसे मिल भी लेंगे। मुजफ्फराबाद 59 कोहाला 24 भगवाड़ी 6 किलोमीटर अलियोट मरी, अलियोट मरी लिखा हुआ था मेन कश्मीर रोड अलियोट मरी, एक शॉप वाले ने अपना एड्रेस लिखा था। अब ये कश्मीर रोड है अलियोट है या मरी है या अरे अलियोट मरी का ही कोई इलाका है ये नहीं जानते। बार यहाँ पे यहाँ ये वाली लोकल बसेस भी चलती हैं। कोहाला 26 किलोमीटर और ये कौन सा इलाका है यार, यहाँ पर जगह जगह गाड़ी धोने के लिए पाइप आपको मिल जाते हैं, जगह जगह पाइप लगे हैं, आप गाड़ी धो सकते हैं अपनी अगर जरूरत पड़ती है तो। लैंड स्लाइडिंग एरिया एक बार फिर से यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग एरिया बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप मनीषा के कश्मीर की तरफ जाते हैं आते हैं तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग एरिया बहुत है, हर थोड़ी देर बाद लैंड स्लाइडिंग एरिया आता है। बड़ी एहतियात से चलें और ध्यान रखें, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की जात पर बचाने वाली हर मुसीबत से, लेकिन अल्लाह अकल अल्लाह पाक ने दी है, आंखें दी हैं, ध्यान से गाड़ी चलाएं, बाइक हो गाड़ी हो ध्यान से ड्राइविंग करें। वाह घर बने हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, और रात को ये इनकी जो जब लाइटिंग होती है ना तो रात को ये घर पहाड़ों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जब रात को आप गुजरते हैं तो ये इनमें लाइटें जल रही हो, वाह क्या खूबसूरत सीन होता है पहाड़ों के ऊपर।
धल्ला, ये धल्ला है लाहौर में, धल्ला पिंड है, यहाँ पे धल्ला खाली है, पिंड नहीं लिखा हुआ था, खाली धल्ला लिखा हुआ, धल्ला का इलाका आ गया जी। कोहाला 24 किलोमीटर, वाह ये साइड भी बहुत प्यारी है जी, यहाँ से इस साइड भी सीन सीनरी कमाल, बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ भी आगे दरख्त आ जाते, यहाँ से दिखेगा क्या बात है। जब यहाँ पे बर्फ जमी होती है फिर यहाँ पे इसका इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाती है, और आप आराम से नीचे तक जा सकते हैं बर्फ के ऊपर चल के। चलें आगे चलते हैं, किलोमीटर हेलो। अच्छा अभी मैंने 3 डॉग देखे जो कि बड़े खूबसूरत थे, मरी से थोड़ा सा आ गई, वो बड़े खूबसूरत थे, ये भी खैर अल्सेशियन स्टाइल का था कलर में, लेकिन था आवारा डॉग, लेकिन खूबसूरत डॉग्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, आवारा फालतू नहीं है, आवारा है लेकिन खूबसूरत। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वापसी जो एबटाबाद वाली साइड से जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से मरी और वापसी यहाँ से कश्मीर से मरी और मरी से एबटाबाद वाली साइड पे जाते हैं ना, तो मरी से एबटाबाद वाली साइड बहुत ही खूबसूरत है, वो भी खुश्क पहाड़ है वहाँ पे, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्टिव जगह है, बड़ी मज़ेदार जगह है।
यार मजा आया है सड़क का कि भाई सड़क इन्होंने बहुत ही कमाल रोड बना दी है, बड़ी साफ सुथरी रोड बना दी है। और पता लगा कि इस तरह साफ सुथरी रोड जो है वो नीलम वैली तक साफ सुथरी रोड है। तो प्रोग्राम यही है कि नीलम वैली तक जाया जाए और ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसे उसकी फुटेज हम बनाएं। अभी 45 किलोमीटर है जी कोहला 8 किलोमीटर अबासिया चौक 6 किलोमीटर। तो प्रोग्राम तो यही है, बाकी अल्लाह को पता ही, असल प्रोग्राम तो रब को ही पता होता है, बंदा इसे सोच सकता है। लोअर बैरूत इंग्लिश में बिरोड बन रहा है और बिरोड लोअर बिरोड धन्यवाद। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक वादी जहाँ से हम गुजर रहे हैं और जहाँ पर हम मौजूद हैं, माशाल्लाह क्या सीन है यार। यहाँ से आगे चलते हैं, खूबसूरत जगह थी, मैंने कुछ नहीं थी आपको दिखाया जाए। यहाँ पे भी उसी तरह लगी हुई है शॉप, इसका मतलब यहाँ पे शॉप्स जगह जगह पर ये मिल जाती है। ये भी है जी, दो शॉप्स ये भी लगी हुई है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार ये घर बने हुए पहाड़ियों के ऊपर, इतने खूबसूरत लगते हैं ये घर मुख्तलिफ कलर्स में। और रात को जब इनमें बल्ब जलते हैं, लाइटिंग होती है, तो तब इनकी खूबसूरती तो चार चांद लग जाते हैं, मज़ीद और मज़ीद वो मतलब खूबसूरती उठती है और अट्रैक्ट करती है पहाड़ों की।